इससे अधिक नहीं, क्योंकि आपने अभी अभी श्रीमान वसुदेव को एक कल्पना के वैसे बंदी बना डाला। तुझे हमारा डर नहीं रहा है? आपका डर नहीं, नहीं महाराज, यमराज नहीं, मैं आपसे डरता और नहीं मुझे डर आपकी इस खड़क का है। अरे मैं उससे डरता हूँ जो इस सारे जग का डरता है। अरे वीर बजरंग, किसके नशे में पूरा हुआ, किसके नशे में तर है? याद रख तू मालिक नहीं, तू हमारा नौकर है। सीख एक तुच्छ सेवक से कर्तव्य पालन करना सीख। सीखना नहीं सिखाना बाकी है, जैसे तेरी बुद्धि ऐसा ही तेरा सेवक है। डाल दे इस मुठे के हाथ में, हथ करी पाओ मेरी डाल रहे तो ले जाओ सख्त कारागार में। साचो कल युग आयो हो परमात्मा, आज क्या हो रहा है? वृद्धापन की अवस्था में मेरा कैसा सत्कार हो रहा है? हे न्यायकारी ईश्वर, पुत्र हो तो एक ही हो, पुत्र हो तो एक ही हो, वो भी सुपुत्र हो, गर जाए मर जाए गर्भ में ही गर ऐसा कुपुत्र हो। पिता अपने पुत्र के हित में क्या न क्या करके दिखाता है, पिता अपने पुत्र के हित में क्या न क्या करके दिखाता है। अरे कलेजे का समझ टुकड़ा सदा पलहार जाता है, खिलाता है पिलाता है और उसे संपत्ति का मालिक बनाता है। उसी पिता के साथ में, उसी पिता के साथ में क्या व्यवहार है देखो। अरे बुढ़ापे में मेरा किया किस तरह सत्कार, यह देखो। हाँ बोलो बुढ़े, जो मेरा पुत्र है ये तो सारा संसार जानता है, नहीं आपका एक सपुत्र हूँ। और पुत्र का कर्तव्य यही होता है जो मैं कर रहा हूँ, यही होता है। कंस, प्रत्येक पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, उसकी लंबी उम्र की कामना करता है, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा, मैं तुझे साप दूंगा। उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे बूढ़े पिता का साप है। बूढ़े पिता का साप है, तू चैन न पाए और बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने आए। जिस बूढ़े पिता पर आज तू खड़क उठाए, जिस देवकी पर तू खड़क उठाए, संतान उसी देवकी का तेरा अस्तित्व मिटाए। बंद कर उठे, इस कंस के सामने नहीं चलेगा कोई बहाना, रो रो करके सुनाना जेलों को यही कराना, धक्के मारो ले जाओ से। प्रभु जी अब साचो कल युग विधाता, तेरी लीला अपरंपार है। इस समय राजा कंस की आंखों में खून सवार है, मेरे देखते हुए अपने बूढ़े पिता को जेल में डाल दिया, सेवक को बंदी बना दिया। यदि इसके सामने मैं अधिक बोलता हूं तो हम दोनों को समाप्त कर सकता है, इसलिए बस देख
रणनीति से नहीं राजनीति से काम लेना चाहिए, जिससे हम दोनों के प्राण बच जाए। तब बस देव विनती करना चाहते हो, कहो, हम उस विनती को अवश्य सुनाएंगे। राजन, आप देवकी को तो प्रतामी ही मारना चाहते हो। क्यों? तो देवकी तो आपका काल नहीं। बस देव, मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी है। वृक्ष फले जो विष फल लागे, ताहे बने पर इसके फल लगते हो, उस वृक्ष को जड़ से तो खार के फेंक देना चाहिए। न उस पर इसके फल लगेंगे, ना कोई खाएगा, न वो मारा जाएगा। मैं कन्या और ब्याह तो इतने हो, याह मार और सोच मिटे हो। बसे एक एक सुंदर कन्याओं के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा, परंतु आज मैं देवकी को मार करके शांत बैठूंगा। जो नहीं हनो जो प्रचंड ज्वाला भड़क रही है, वह शांत नहीं होगी। इसको मार करके ही वह प्रचंड ज्वाला शांत हो सकती है। सब सुतिया के हम सो लीजे, जीव दान या को प्रभु दीजे। ब्रायन, आपने सत्य कहा है, जिस पेड़ पर विषैले फल लगते हो उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं, यदि प्राणी के किसी अंग में कोई रोग लग जाए तो उस अंग को काट के फेंक दिया जाए। वो अंग इस तरह नहीं फेंकना चाहिए, क्यों कि कोई चतुर वेद के द्वारा उसका उपचार हो जाए, वो सही हो जाए, तो उसमें बुराई क्या है। इसलिए राजन, देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी वो सभी संतान मैं आपके लिए दूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता है। आचा हम तुम सन भाके, सूर्य चंद्र साक्षी कर राखे। राजन, दिन के सूर्य और रात के चंद्र देव दोनों को साक्षी मानकर मैं आपको वचन देता हूँ, जो भी देवकी के गर्भ से संतान होगी वो सभी संतान मैं आपको दूंगा दूंगा दूंगा। दो वचन बसदेव जी ने दिए, तीसरा वचन आकाश से देवताओं ने दिया। भली बात ये सब दिन जानी, भावे विवश कंस ने मानी। वसुदेव, हम तुम्हारे वचनों पर विश्वास करते हैं, हमारी भी एक शर्त है। लगाता पैरों में महावर, वहां पर बेड़िया होंगी। बताता हाथ में कंगन, वहां पर हथकड़िया होंगी। तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी डाल रहे, तो तुम दोनों को सख्त कारागार में रहना है, जब तक हम देवकी के आठवें पुत्र को नहीं मारते हैं, तब तक मंजूर है। महाराज, ये धर्म पर बलिहार सब कुछ क्या है, बात बड़ी। धर्म के खातिर समा ये मुसीबत की कड़ी, चार दिन की जिंदगी मौत लेने को खड़ी। अरे धर्म के खातिर पहनूंगा हाथों में हंस के हथ खड़ी। मंजूर साहब, डाल दो वसुदेव के हाथों में हथकड़ी, पाओ मेरी डाल में, तो इन्हें भी ले जाओ सख्त कारागार में। मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपसे बड़े करी थी, अरे करोगे शादी तो होगी बर्बादी, इसलिए मैंने मने करी शादी मत करो, शादी मत करो। अब बताइए, आइए अस्तर।
ऐसा है देखिए, जब से आपकी कितनी सेवा हो रही है। आप कहते थे दूध की तो आपको लस्सी मिलती थी, आप कहते थे हरी मिर्च तो लाल मिर्च मिलती थी, लेकिन अब तक तक है मेहमान खाने में और अब जाना पड़ रहा है जेल खाने में। हर की नोचा है सो होई ताहे मिटावन हार न कोई, हर की नोचा है सो होई ताहे मिटावन। देखना चाहते हैं देखना चाहते हैं हम, ये देखिए सरकार, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। जिस बहन देवकी को मैं इतना लाड़ प्यार किया करता था, आज वही बहन देवकी मेरे कारागार में बंद होकर के रो रही और मुझे कोस रही है और कह रही है उस विधाता से, हे विधाता, कंस जैसा भाई किसी बहन को मत देना। नहीं बहन देवकी, इसमें कंस का कोई दोष नहीं है, दोष है तो तेरे भाग्य का दोष है। जैसे तेरे भाग्य में लिखा है वैसा तो तुझे भोगना ही होगा। विदु सर, हमने अपने पिताश्री को कारागार में बंद कर दिया, अब हम स्वयं मथुरा के राजा बन गए हैं। अवतार हो गया मेरा मथुरा में, पर्चे घर घर बंटवा दो, वेद पुराणों के अंदर मेरी महिमा छपवा दो, जो मेरी महिमा न पूजेगा उसे मैं कड़ी सजा दूंगा, कर्म करे में डरवा कर बदला सारा चुका लूंगा। जाओ मथुरा शहर के अंदर ये मुनियादी कर दो, मथुरा के राजा गुस्सैन नहीं महाराज कंस हो चुके हैं और हमारे राज्य में कहीं भी धर्म का कार्य नहीं होना चाहिए। साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, यज्ञ ये सब बंद करा दिए जाए। महाराज आपने अपने पिताजी को बंद किया है, ऐसे में सबसे कहता हूँ, अरे जिसके पिता बुड्ढा है गया हो तो सवेरे जा करके थाने में बंद कर दीजिए। अच्छा, जिनके पिता बुड्ढे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, आप अरे मुनियादी सुनना गौर से और बात करना किसी और से है। आपसे महाराज कंस का हुक्म है, उग्रसेन महाराज तो जेल में गए, अब नया शासन चालू पुराना शासन बंद। उग्रसेन महाराज के राज में कौन पढ़ाते थे? गुरु जी। अब लेकिन गुरु जी नहीं पढ़ाएंगे, अब स्कूल में पढ़ाएंगे कौन? मास्टर। अब तक चलते थे कोस, दो कोस, दस कोस, अब कोस नहीं चलना है, अब क्या चलने लगे हैं? किलोमीटर। अब तक चलती थी गाड़ी, ट्रैक्टर, अब वो सब कुछ बंद, अब क्या चलने लगे हैं? स्कूटर। अब तक खाने में क्या खाते थे? गोभी है, आलू है, भिंडी है, ये सब खाना पीना बंद, अब खाने लगे हैं क्या? लाल लाल टमाटर। इसलिए अब नया शासन चालू पुराना शासन बंद। महाराज राज मथुरा नरेश आज इस मथुरा के राजा हो चुके हैं, उग्रसेन महाराज राजा नहीं, जो करेगा पाप हम उसके बन जाएंगे पाप और जो करेगा धर्म उसका फोड़ दिया जाएगा कर्म। ठीक है महाराज? ठीक है। अब इसी प्रकार से महाराज कंस ने देव के वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। जब जेल में रहते रहते काफी समय व्यतीत हो गया तो माँ देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र को लेकर के वसुदेव जी अपने वचन अनुसार राजा कंस के दरबार की तरफ चले आ रहे हैं। ओ प्रथम पुत्र जब देवी की जायो जाकर कहो प्रथम पुत्र हुआ है। क्या कहा बच्चे जी? पुत्र हो गया,
लेकिन बड़ा जल्दी हो गया। ठीक है महाराज, मैं आपकी खबर पहुंचाता हूँ। अब तेरी जीजी पे लल्ला हो गया भाई करिए। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है, बस तेरे से कौन पुत्र लेकर के आए। श्रीमान बसदेव जी आइए सिंहासन की तरफ आओ। बसदेव आओ। बालक देख कंस हस दीनो, इनको कछु अपराध न कीनो। केश कितने बड़े हैं। ये मेरा काम नहीं हो सकता, क्योंकि मांस का एक लोथड़ा बिना खिलाया का भूल है, इसका पद करना अन्यारे का भूल है। बस देव ले जाओ अपना सुंदर ये लाल, डर है जो आठवा सो देना तत्काल। लो सात पुत्रों को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ, आठवें पुत्र को मेरे हवाले करना। थोड़ा पुत्र को हमको ही दिखाइए, हमको बच्चा खिलाने का बहुत शौक है। अरे वाह, महाराज बड़ा गुड़गुला गुड़गुला सा है। अरे ला 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 बोलिया लाला की अम्मा गप्पर गप्पा ला। इधर ले जाइए बसदेव जी। ऐसे ही बालक फिर जो दीनो, तब बस देव गवन कहां कीनो। यानी देव जी के प्रथम पुत्र को राजा कंस ने वापस कर दिया। ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी। अगर राक्षस के मन में दया कम हो जाएगी तो भगवान का अवतार कैसे होगा। सकल पाप की छे, एक बार सब मिलकर बोलो नारायण भगवान की। बोलो नारायण भगवान की। नारायण नारायण। कुछ लोग जय बोले, कुछ लोग जो कह रहे जल्दी करो। आज एक दुष्ट प्राणी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई, और जब दुष्ट प्राणी हृदय में दया उत्पन्न हो जाएगी तो फिर अत्याचार नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगा। और अत्याचार नहीं होगा पृथ्वी पर तो फिर मेरे भगवान का अवतार नहीं होगा। जब दुष्ट की दुष्टता चरण सीमा पर पहुंच जाएगी तभी तो मेरे नारायण का अवतार होगा इस वसुंधरा पर। तो प्यारे मुझे चलना चाहिए मथुरा की ओर, मथुरा की महाराज कंस की मति को फेंकना चाहिए। कंस अभी विप्र हत्या गौ हत्या कर रहा है, लेकिन बाल हत्या जब कंस करने लग जाएगा, बालकों का वध करने लग जाएगा तो मेरे नारायण का अवतार शीघ्र दासी से वसुंधरा पर हो जाएगा। हर्षण वन तो ऐसा वन की हर स्वर्ण की हद कर दे, हर्षण वन तो ऐसा वन की हर स्वर्ण की हद कर दे, भजन के प्रताप से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। निशाने पर जो जाकर लगे उसे हम तीर कहते, निशाने पर जो जाकर लगे उसे हम तीर कहते हैं।
गिर करके संभल जाए उसे हम वीर कहते हैं। निशाना जिसका खाली है वो शिकारी हो नहीं सकता। निशाना जिसका खाली है वो शिकारी हो नहीं सकता। और मेरे प्रभु से मांगने वाला भिखारी हो नहीं सकता। नारायण नारायण सा हरि नाम चिंतन करते हुए चले। अरे तरे घर तो वो ही, अरे तरे तरेगा भजी जिसके हृदय में हरि Oh,
वाला किस वक्त मथुरा में आ गए, लेकिन कोई सेवक हमें दिखाई नहीं दे रहा। गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान भव, कल्याण भव, पुत्रवती सेवक दीवान कहाँ है, उनसे जाकर के कहो, उनसे जाकर के कहो नारद नारद। दीवान जी क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ नाला कूल का देखी सुंदर बाप के बेटे तेने मार दिया, से समझ लिया जी मतलब कि कोई प्लेटफार्म है क्या? कौन आया, क्या बात है? अरे तुम्हारे देवर आए हैं। क्या देख रहे हो? अरे मैं देख ले रहा हूँ, मैं लेडीज की तरफ से हूँ। अरे फुट्टी फुट्टी। अरे सुनो, वो हमारे देवर नहीं होंगे, आपकी मम्मी के देवर होंगे। अच्छा, देख करके आओ। अच्छा। और सुनिए, मर्दों के कभी देवर नहीं होते हैं। अच्छा। स्त्री के साले नहीं होते हैं। अच्छा। तुम्हारी मम्मी का देवर है, देख क्या आपने बता दी। बेटा हमने देवर नहीं बताया था। तो क्या बताया था? ये जाकर के कहो कि गुरु जी आए। अच्छा दीवानी बोलिए। अरे कसम तोड़ियों पे बुलाया है। अरे हम दरवाजे के लिए लाए हो क्या? करंट मार रहा है, तुम बुला दो। तुम आ रहा है बुलाया है ने? ए दो हां है घोड़ा आया घोड़ा। हाँ ऐसा करिए, उस गुड़ को ले जाइए। अच्छा, तो सामने वाला कमरा है ना, उसमें जाके बंद कर दीजिए। सामने वाला के लिए सवेरे गुड़ की गरम गरम चाय बनाएगी। अच्छा और हटो, हम देख के कौन आया। हटो शंकर जी नाथ के हो ये वीर सहाय, ब्रह्म पुत्र नारद ऋषि और द्वार पधारे आए। महाराज की जय हो। क्या हुआ है महाराज? प्रथम द्वारे पर गुरुदेव का आगमन हुआ है। गुरुदेव का आगमन हुआ है। संत मिलन गोचारी तज माया विमान, जो जो पगे आगे बढ़े कोटनी यज्ञ समान। तो